कपल, तो इसमें एलिजिबल कपल के 5 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट, करेंटली मैरिड कपल। सेकंड, 5 रिप्रोडक्टिव एज। थर्ड, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फोर्थ, एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड। एंड फिफ्थ, रजिस्टर अपडेटेड बाय फंक्शनरी फॉर एरिया। सो फर्स्ट, करेंटली मैरिड कपल होना चाहिए रिसेंटली। सेकेंड, 5 जो है रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, दैट इज 15 to 44 ईयर्स में। थर्ड, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, उनकी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज चाहिए वो, उनको ऐसी कोई नीड हो ये फील होनी चाहिए। फोर्थ, एलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो उसमें रजिस्टर को अपडेट किया जाता है फंक्शनरी के द्वारा कि कौन से एरिया को उसकी ज़रूरत है उससे रिगार्डिंग। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंडर जो भी फंक्शनरी आता है, वो हर एक फंक्शनरी उसको अपडेट करती है उस एरिया के लिए जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है फैमिली प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एलिजिबल कपल रजिस्टर जो है। तो ये था एलिजिबल कपल।